से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में जाने कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि कई ऐसी महान बहादुर वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दी। उन वीर वीरांगनाओं में नाम शामिल था झलकारी बाई का। झलकारी बाई वह थी जो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की जगह अंग्रेजों से लड़ी थी। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी झलकारी बाई। इनकी बहादुरी की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और लोकगीतों में सुनी जाती है। 22 नवंबर ही वह तारीख है जिस दिन झलकारी बाई ने भारत की मातृभूमि में जन्म लेकर इसे पवित्र किया था। जी हाँ, वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को एक कोली परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि झलकारी बाई बहुत गरीब परिवार से थी। उनके गांव का नाम भोजला था जो कि झांसी के पास ही है। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई जब छोटी थी तो उनके ऊपर उस समय दुखों का एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उनके बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिता के ऊपर बेटी को पालने की जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने ही बेटी का भरण पोषण किया। पिता ने लड़कों की तरह किया पालन पोषण। उनकी माँ के निधन के बाद पिता ने लड़कों की तरह उनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही वह घुड़सवारी और हथियार चलाने में माहिर थी। तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में वह शिक्षा हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन एक योद्धा के तौर पर वह युद्ध कला में काफी माहिर थी। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि घुड़सवारी और हथियारों के इस्तेमाल के अलावा वह कोई औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन उन्होंने एक योद्धा के तौर पर अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इसके अलावा वह बचपन में घर का काम निपटाकर पशुओं के रखरखाव पर भी ध्यान देती थी, साथ ही साथ जंगलों से लकड़ियां भी इकट्ठा करने जाती थी। झलकारी बाई थी एक महान देशभक्त। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही झलकारी बाई का भी साहित्य, उपन्यासों और कविताओं में जिक्र किया गया है। 1951 में बीएल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में झलकारी बाई को विशेष स्थान दिया गया है। रामचंद्र हेरन के उपन्यास माटी में झलकारी बाई को उदात और वीर शहीद कहा गया है। भवानी शंकर विशारद ने 1964 में झलकारी बाई का पहला आमचरित लिखा था। इसके बाद कई साहित्यकारों और लेखकों ने झलकारी बाई की बहादुरी की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की है। लक्ष्मीबाई पर लिखी गई कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की तर्ज पर मैथिली शरण गुप्ता ने झलकारी बाई के बारे में लिखा है, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सीखा गई, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर छुटाए छक्के। जब भी भारतीय वीरांगनाओं का नाम लिया जाता है उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम पहले लेते हैं, क्योंकि वह एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। हालांकि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि देश में एक ऐसी भी वीरांगना रही है जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले आता है। इस वीरांगना को भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। जी हाँ, झलकारी बाई एक दलित समाज से आने वाली वीर वीरांगना थी। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने झांसी के युद्ध में भारतीय बगावत के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में ही सैनिक थी। वह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक आम सैनिक की तरह भर्ती हुई थी। उनमें युद्ध के साथ ही अन्य मसलों पर भी असाधारण योग्यताएं थी। इसी के दम पर वह रानी लक्ष्मीबाई की विशेष सलाहकार बनी। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के महत्वपूर्ण निर्णयों में झलकारी बाई की अहम भूमिका रहती थी। युद्ध कला के प्रेम के चलते तोपची से किया विवाह। झलकारी बाई का युद्ध कला के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने शादी भी एक तोपची सैनिक पूरन सिंह से की थी। पूरन सिंह भी लक्ष्मीबाई के तोपखाने की रखवाली किया करते थे। पूरन सिंह ने झलकारी बाई की मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से कराई थी। उनकी युद्ध कला से प्रभावित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था।
जिस युद्ध में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ी थी, उस युद्ध में उनके पति शहीद हुए थे। बावजूद उन्होंने पति के शोक की जगह राज्य की सुरक्षा और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, खुद की जान न्यौछावर कर बचाया रानी लक्ष्मीबाई को। इतिहासकारों के मुताबिक 23 मार्च 1858 को जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया था। यह 1857 के विद्रोह का दौर था। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने 5000 सैनिकों के दल संग उस विशाल सेना का सामना किया। जल्द ही अंग्रेज सेना झांसी में घुस गई और लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए उनका डटकर सामना कर रही थी। इस दौरान झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का फैसला किया। खास बात यह है कि इसी युद्ध में उनके पति शहीद हो चुके थे, बावजूद उन्होंने पति का शोक मनाने की जगह राज और अपनी रानी के लिए लड़ने को महत्वपूर्ण समझा। और इस तरह से झलकारी बाई ने पूरी अंग्रेजी फौज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ताकि दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। इस तरह झलकारी बाई खुद रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ती रही और जनरल रोज की सेना उनके झांसे में आकर उन पर प्रहार करने में लगी रही। काफी देर बाद उन्हें पता चला कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। झलकारी बाई की इस महानता को बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई के बराबर सम्मान दिया जाता है। दलित के तौर पर उनकी महानता और हिम्मत ने उत्तर भारत में दलितों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। उनकी मौत कैसे हुई थी, इतिहास में इसे लेकर स्थित स्पष्ट नहीं। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ब्रिटिश सेना द्वारा झलकारी बाई को फांसी दे दी गई थी। वहीं कुछ जगहों पर जिक्र किया जाता है कि वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। कुछ जगहों पर अंग्रेजों द्वारा झलकारी बाई को तोप से उड़ाने का जिक्र किया गया है। 2001 में उनके नाम पर जारी हुआ डाक टिकट। झलकारी बाई की बहादुरी और इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया था। इसमें झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही हाथ में तलवार लिए घोड़ों पर सवार दिखाई देती है। उनके चित्र वाला टेलीग्राम स्टाम्प भी जारी किया गया था। भारतीय पुरातत्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। अजमेर राजस्थान में उनकी प्रतिमा और स्मारक भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी एक प्रतिमा आगरा में भी स्थापित की है। उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी है। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।